जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने देर रात रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर पहुंचे। उन्होंने जिला महिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों की उपस्थिति की स्थिति को लेकर भी मरीजों से जानकारियां। आपको बता दूं, औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने इमरजेंसी वार्ड में अव्यवस्थाओं का पुलिंदा देखा, जिसको लेकर अस्पताल की CMS RK मित्रा को कड़े निर्देश भी दे डाले। इसी के साथ क्या कुछ खास है हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में देखें। लगातार एक इंस्पेक्शन का दौर चलता रहता है और व्यवस्था में लगातार सुधार हो, उसमें हमारा प्रयास रहता है। तो उसके क्रम में फिर से मैं रामपुर के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने आया हूँ। जिला जो महिला अस्पताल पहले हमने देखा है प्रसव को लेकर, और प्रसव के बाद में जो मरीज भर्ती रहते हैं उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है। पूर्व निरीक्षण में डॉक्टर्स की अनुपस्थिति की एक बात आई थी, तो उसको भी अभी सुधार उसमें हुआ है और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिली है। मरीजों ने भी उसमें अपनी पुष्टि की है। जो हमारा जिला अस्पताल है इमरजेंसी को लेकर और बाकी जो व्यवस्थाएँ, उसमें ज़रूर कुछ कमियाँ मिली हैं। वार्ड में कुछ जगह पे जो इसमें फिजिशियन हैं उनके द्वारा रात्रि संध्याकालीन जो इंस्पेक्शन है वो ना करने की शिकायत मिली है, और वो बिल्कुल ठीक है। बाहर से दवा लिखने की भी शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और एक वार्ड बॉय द्वारा उसमें अवैध धनादोहन की शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक पाई गई है। तो तीनों चीज़ों पे हम लोग दोनों, एक डॉक्टर और जो वार्ड बॉय है, उनके विरुद्ध हार्ड सेक्शन ले रहे हैं। मैंने CMS को यहाँ बताया कि कंपाउंडर को निरस्त किया जाए, कंपाउंडर का सस्पेंशन किया जाए और जो डॉक्टर हैं उनका एक दिन का वेतन काट के स्पष्टीकरण जारी किया जाए। एक व्यवस्था हम करेंगे, वो यहाँ पर रहें और यहाँ रह के शासकीय सेवा में अगर यहाँ पर इतने सम्मान के साथ में नौकरी कर रहे हैं तो फिर 100% अपने ऊर्जा के साथ में काम भी उन्हें करना चाहिए। तो ये व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। इसी प्रकार के लगातार हमारे इंस्पेक्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले आपने देखा होगा पूर्व निरीक्षण में ACs को लेकर, टॉयलेट्स की क्लीनिंग को लेकर और इन सब चीज़ों में कमियाँ मिलती थी, लेकिन हमें ये संतुष्टि है कि जो बेसिक इंफ्रा है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और इम्प्रूव हम इसको करेंगे ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सब संतुष्टि भाव से यहाँ पर जाएं और सबकी अच्छे से सेवा हो पाए। अच्छा डीम सर, मरीजों से आप मिले, मरीजों से भी बात की, क्या क्या मरीजों की शिकायतें बताएं? देखिए, लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि सीधे ग्राउंड लेवल पे फीडबैक और पब्लिक से सीधे लिया जाए, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। और लोगों से जो फीडबैक मिला है तो उसमें उसी के आधार पे ये जानकारी सामने आई है कि आपने देखा होगा कि बाहर से दवा लिखने वाली चीज़ जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसकी पुष्टि CMS द्वारा भी की गई है, और जो वार्ड बॉय था उसके धनादोहन को लेकर शिकायत है, उसमें हमने कार्रवाई करी है। तो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इसको हम लोग और व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम करेंगे। NRC में बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी जो बच्चों के साथ में, 14 दिन का प्रोटोकॉल है और बच्चों का यहाँ पे हाइट और वेट, जो यहाँ की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं उसको लेकर है, बहुत अच्छी अवस्था में NRC चला है, सबने बहुत संतुष्टि व्यक्त की है। SNCU की व्यवस्थाएं भी देखिए, वो भी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है, जितने भी मशीनरी वहाँ पे इक्विपमेंट है वो भी बिल्कुल दुरुस्त पाया गया है। एक बस यही है कि जो यहाँ का मैन पावर है, मोटिवेशन को और प्रतिबद्धता की जो थोड़ी बहुत कमी है, उसके लिए भी हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन उनका बुलाएंगे। मॉरेलिटी के आधार पे भी इस चीज़ का सबको निवेदन करेंगे कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग होता है और यहाँ पे जितने भी हम लोग लगे हुए हैं, ईश्वर ने हमें ये